हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दशना क्लासेस पे। और आज इस वीडियो में हम 10th क्लास का केमिस्ट्री का एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ फटाफट हेडिंग दे दीजिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले समझते हैं एसिड क्या होता है। तो हेडिंग के साथ साथ टॉपिक का शुरुआत भी है, एसिड क्या है। जैसे जो टेस्ट में क्या लगे, खट्टा लगे, यानी जिसका टेस्ट आपको लगेगा सावर, वह हो जाएगा एसिड। दूसरा पॉइंट, जो ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा, तो यह कन्वर्ट करेगा रेड में, तो वह हो जाएगा एसिड। तीसरा बात है, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे ऑलवेज, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे ऑलवेज, वह हो जाएगा एसिड। एसिड का 3 पॉइंट क्या क्या, जो टेस्ट में लगेगा सावर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, और जिसमें हाइड्रोजन मेरे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। जैसे अब अरहेनियस के अनुसार, और हेनियस के अनुसार एसिड वह होगा, एसिड वह होगा जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हम मुझे क्या देगा, H+ आयन देता है। आयन से एक बात मुझे पढ़ना है कि आयन दो होते हैं, एक होते हैं कैट आयन और दूसरा होते हैं एन आयन। कैट आयन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एन आयन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। यानी अरहेनियस के अनुसार H+ जो आयन देगा, कोई भी वाटर में डिजॉल्व होकर, कोई भी एसिड यदि वाटर में डिजॉल्व होकर H+ आयन दे रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, एसिड है। जैसे लेविस के अनुसार जो टेंडेंसी यह रखता है, टेंडेंसी यह रखता है कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वह हो जाएगा एसिड। यानी एसिड के बारे में क्या पढ़े, अरहेनियस के अनुसार जो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या देगा, H+ आयन, तो वह हो जाएगा एसिड। लेविस के अनुसार टेंडेंसी रखता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करने का, तो वह क्या हो जाएगा, एसिड। जैसे कुछ एसिड का नाम लिखे यदि हम, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका एग्जाम्पल HCl। इसका नाम क्या है, तो हाइड्रो क्लोरिक एसिड। दूसरा जैसे हम नाम लिखे H2SO4, इसका क्या नाम है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हम नाम लिखे H3PO4, यह क्या है, तो यह है फॉस्फोरिक एसिड। जैसे हम नाम लिखे हैं, अब तो नाम ऊपर लिखना पड़ेगा, जैसे हम नाम लिखते हैं CH3COOH, यह क्या है, एसिटिक एसिड। जैसे हम नाम लिखे HCOOH, यह क्या है, तो यह है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिथा नोइक एसिड। जैसे हम लोग इस प्रकार से कुछ एसिड को देखें, बेसिकली एसिड दो प्रकार के होते हैं। जैसे एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सी एसिड, एक होता है ऑक्सी एसिड, और दूसरा होता है हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड। यानी ऑक्सी एसिड वह होगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहेंगे, वह हो जाएगा ऑक्सी एसिड। जैसे यदि हम ऑक्सी एसिड का कुछ एग्जाम्पल को लिखें, तो
तो एग्जाम्पल हो जाता है H2SO4, यह क्या है? तो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी ऑक्सी एसिड। जैसे हम H3PO4 का नाम लिखे, यह क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो यह क्या है? ऑक्सी एसिड है। जब हम हाइड्रा एसिड के बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रहेंगे क्या? तो ओनली हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन, सिर्फ उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, तो वह हो जाएगा हाइड्रा एसिड। जैसे कुछ हाइड्रा एसिड का नाम लेते हैं तो वह है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यह क्या है? एक प्रकार का क्या है? यह हाइड्रा एसिड है। जैसे हम और नाम लें जैसे HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस प्रकार से क्या है, एसिड को दो भागों में बांटकर स्टडी किए। नेक्स्ट मेरा है बेस। बेस किसको कहते हैं? जैसे बेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बेस क्या करता है? जिसका टेस्ट कैसा लगेगा? तो टेस्ट लगेगा बिटर। टेस्ट में कैसा लगेगा? बिटर। और जब हम उसको टच करेंगे तो कैसा रहेगा? तो सोपी इन टच, सोपी इन टच, छूने पर थोड़ा सा चिकनापन उसमें रहेगा, तो वो हो जाएगा बेस। यह क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है किसमें? तो ब्लू में, वो हो जाएगा बेस। और क्या करेगा? तो अरहेनियस के अनुसार, अरहेनियस के अनुसार यदि हम कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी मॉलिक्यूल्स को, कोई भी आयंस को यदि वाटर में डिजॉल्व करते हैं और वह OH- आयन को देता है, तो वह हो जाएगा बेस। किसके अनुसार? तो अरहेनियस के अनुसार। जैसे लेविस के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, लेविस के अनुसार जो लोन पेयर देने का टेंडेंसी रहता है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, यानी जो लोन पेयर देने का टेंडेंसी रखता है वह हो जाता है बेस। तो बेस के बारे में इतना सारा पॉइंट को आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे यदि हम बेस को पढ़ें तो बेस को भी दो बराबर भागों में बांट देते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस, यानी वह बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, और दूसरा है वाटर इनसोल्यूबल बेस, वाटर इनसोल्यूबल बेस। जैसे हम वाटर सोल्यूबल बेस का नाम लिखें तो ये हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह सभी बेस क्या है? वाटर सोल्यूबल बेस है। लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल लें कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, तो यह क्या है? वाटर इनसोल्यूबल ऑक्साइड, ये बेस है। यह बेस का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें। जैसे बार बार हम बोल रहे हैं कि जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करे बेस, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा तो एसिड। तो हम लोग समझते हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है। तो लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर के रूप में काम करता है, जो यह बताता है कि कौन सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है और लाइकेन का पौधा थैलोफाइटा ग्रुप का अंदर में आता है, थैलोफाइटा ग्रुप के अंडर में आता है। और सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं
जैसे हम बात करें टर्मरिक का, तो टर्मरिक एक प्रकार का क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे हम बात करें चाइना रोज का, जिसको हिबिकस भी कहा जाता है, चाइना रोज, तो वह भी एक प्रकार का क्या है, तो नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन जैसे हम बात करें मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल, यानी जिसको हम लोग खुद बनाते हैं, वह इंडिकेटर है, जिससे हमको पता चला है कि एसिडिक है कि बेसिक है। यह हम लोग बेसिक सा डेफिनेशन पढ़ने के बाद, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो हेडिंग देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में है कि व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विथ एसिड और बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, तो मेटल के साथ, रिएक्ट विथ मेटल। तो सबसे पहले जब कोई एसिड को रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ, तो वह मुझे क्या देता है, तो देगा सॉल्ट और देगा हाइड्रोजन गैस। इसी चीज को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एसिड है HCl, जो इक्वस फॉर्म में रह रहा है, और यहाँ पर मेटल क्या है, तो ले लेते हैं मेटल को, ले लेते हैं जिंक ले लिए। तो जब जिंक, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जिंक ग्रेनुअल्स को लेते हैं और रिएक्शन करा देते हैं किससे, HCl से, तो रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट के रूप में हमको मिल जाता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। यह हाइड्रोजन गैस के पास यदि हम कैंडल ले जाएंगे, तो वह क्या करेगा, फट फट करके जलेगा, यानी यह फट फट का जो साउंड आता है उसको हम लोग कहते हैं पॉप साउंड। क्या कहते हैं, पॉप साउंड। और यह पॉप साउंड बताता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे जब हम कोई भी एसिड को रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है किस, कौन सा साउंड के साथ, तो पॉप साउंड के साथ। दूसरा है कि जब कोई हम बेस को भी रिएक्शन कराते हैं, जब कोई बेस को रिएक्शन कराए किसके साथ, तो मेटल के साथ, तो यह हमको क्या देगा, तो सॉल्ट देगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे मान लीजिए कि बेस आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस फॉर्म में, और मेटल ले लिए हैं क्या, जिंक, जो कि सॉलिड है, यह रिएक्शन करके आपको देगा सोडियम जिंकेट, यानी Na2ZnO2, इसका क्या नाम है, सॉलिड फॉर्म में सोडियम जिंकेट, इसका क्या नाम है, सोडियम जिंकेट, और बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो एसिड बेस का रिएक्शन को हम पढ़े। नेक्स्ट मेरा इसका अगला प्रॉपर्टी है कि जब एसिड और बेस मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। जैसे इसको हम मिटाते हैं और फ्रेश से समझते हैं, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विथ
मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। जैसे कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है कार्बोनेट CO3, और इसका वैलेंस ही फिर से लिखते हैं हम इसको CO3, और इसका वैलेंसी कितना होता है तो दो। और बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3, और इसका वैलेंसी कितना होता है तो वन। कार्बोनेट का वैलेंसी हो गया दो और बाइकार्बोनेट का वैलेंसी हो गया एक। जब हम पढ़ते हैं कोई भी मेटल कार्बोनेट जब रिएक्शन किया किसके साथ, तो एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा किसके साथ? एसिड के साथ। तो वह हमें देगा क्या दिया? तो सबसे पहले देता है सॉल्ट, फिर देता है वाटर, और वाटर के बाद देता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग सॉलिड आइस के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं सोडा वाटर में, ठीक है, और इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट मतलब यह है सोडियम, जिसका वैलेंसी कितना है? वन है। और यह है कार्बोनेट, जिसका वैलेंसी कितना है? टू है। और जब यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए आपस में, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आ गया Na2CO3। यानी जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्शन करता है कोई भी एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, तो यह प्रोडक्ट के रूप में हमको देगा NaCl, और क्या देगा? H2O, और क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे NaCl क्या हो गया? तो यह हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इसी को हम लोग कहते हैं टेबल सॉल्ट। तो हम लोग देखें कि जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो करने के बाद मुझे प्रोडक्ट के रूप में दे रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और क्या मिल रहा है? H2O, यानी वाटर, और क्या मिल रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे नेक्स्ट मेरा क्या है, जब हम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, तो हम रिएक्शन करवा देते हैं कोई भी बेस के साथ, ठीक है, और उससे पहले हम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, तो बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करा देते हैं एसिड के साथ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यदि हम फार्मूला लिखना चाहें, तो सोडियम का फॉर्मूला होता है ए, और बाइकार्बोनेट का ये वैलेंसी कितना हो गया? एक। और यह मिलकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर हमको NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का यह फॉर्मूला है। अच्छा हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग कहते हैं बैकिंग सोडा, इसी को कहते हैं बैकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं वाशिंग सोडा, बैकिंग सोडा। इसी को हम लोग कहते हैं एडिबल सोडा भी, एडिबल सोडा। जब मान लीजिए, अब हम इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, जैसे जब सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ,
तो यह प्रोडक्ट के रूप में मुझे देता है NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये है प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिल गया किसके साथ, तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर। जैसे अगला मेरा समझना है कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, यानी जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो हम लोग इसी में समझ लेते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है यहाँ पर दूसरा के बाद थर्ड नंबर, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एसिड है और जब वह रिएक्शन किया बेस के साथ तो मुझे दिया साल्ट और क्या देता है वाटर। यह बेसिकली इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एसिड है, यहां से हम लोग समझते हैं नीचे, कोई भी एसिड है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, तो यह हो गया बेस और यह हो गया एसिड, तो यह आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट के रूप में मुझे देगा NaCl और क्या देगा, तो यह देगा वाटर। यह क्या है सॉल्ट है और यह क्या है वाटर है। तो यानी एसिड बेस का रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, तो यह एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एसिडिटी बढ़ जाने की वजह से हमारे ये स्टोमक में क्या हो जाता है, ज्यादा एसिड हो गया। अब उसको न्यूट्रल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो बेस की जरूरत पड़ेगी। तो बेस का जरूरत यानी एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है MgOH को, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। आपको इनमें से जो जो बात अच्छी लगी आप उसको नोट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट मार इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।